हेलो गाइस, चलो आज हम लोग बनाते हैं आलू दम का रेसिपी। एकदम सिंपल रेसिपी है, मेरा हर एक रेसिपी सिंपल होता है। तो देखिए, मैंने उबला हुआ आलू ले लिए हैं और इसको छील के इसमें फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिए हैं। आप इसको रिफाइंड में या फिर सरसों तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। सो मैंने अभी रिफाइंड तेल में ही इसको फ्राई किया है ताकि अच्छा से फ्राई हो जाए। फिर इसके बाद तेल में लाल मिर्च और तेजपत्ता और जीरा का फ़ौरन डाल दीजिए। उसके बाद प्याज डाल दीजिए और उसे ब्राउन होने तक भूनिए। प्याज को गलाने के लिए उसमें नमक ऐड कर दीजिए ताकि प्याज गल जाए। फिर उसके बाद इसमें हल्दी डाल दीजिए। हल्दी डालने के बाद इसमें मसाले में क्या होगा, आधी लहसुन, जीरा और गोलकी डाल सकते हैं आप। इसमें आप दूसरे मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं पिसा हुआ। इसके बाद टमाटर को छोटा छोटा पीस काट करके उसमें ऐड कर दीजिए। आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद धनिया आप डाल दीजिए, पाउडर वाला धनिया, या फिर पीस के भी आप धनिया ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने दही और लाल मिर्च का पेस्ट बना करके इसमें डाला है ताकि ग्रेवी बहुत क्रीमी हो जाए। दही डालने से पहले उसको फेंट दीजिएगा ताकि ये फटाफटा ना लगे इसमें। फिर जब पूरा लाल हो जाए, तेल छोड़ दे दही, उसके बाद मसाला और फिर आलू डाल दीजिएगा उसमें, और आलू भी साथ में भून लीजिएगा। भूनने के बाद इसको तेल छोड़ने तक भूनिए। देखिए, तेल इसका बाहर आ चुका है। फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, हल्का सा पानी डालना है, एक कप। फिर इसको झाँप के फिर चलाइए, और जब तक तेल ना छोड़े तब तक चलाइए। फिर उसके बाद देखिए, हम लोग का गर्मा गर्म आलू दम का रेसिपी तैयार है। इसको आप लोग अब इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। चलिए, बाय, इंजॉय।